So welcome to my channel Trader Friends, those who are still using in mobiles, so those are mostly welcome. So start with monthly chart. As you all can see, monthly bullish जरूर है, but यहाँ पे जो ये दिसंबर पे जो कैंडल बन रहा है वो उसका हाई $18,900 पे हाई गया था और उसका अभी का लो है $18,400 जिसपे वो सपोर्ट पे बैक करने की कोशिश कर रहा है। सो मार्केट अभी जिस हिसाब से हो रहा है एक रिट्रेसमेंट लेवल पे आना चाहता है और मंथली चार्ट से अगर देखें तो उसका रिट्रेस कुछ इस तरह से आ सकता है, जो नियरेस्ट उसका सपोर्ट बन रहा है जैसे कि एक तो हो गया 18,400, दूसरा आ गया 18,237, तीसरा आ गया 18,224 और 18,120 जो ये मंथली के हिसाब से दिख रहा है। सो अब चले आते हैं वीकली के हिसाब से। वीकली में भी सेम पैटर्न है, वीकली भी RSI 70 है लेकिन एक बेरिश है, कहीं पे भी एक कैंडल फॉर्म हुआ है जो 18,400 पे बाउंस बैक होने की कोशिश कर रहा है, बट मुझे नहीं लगता कि कल के मार्केट में कोई पॉजिटिविटी होगी क्योंकि ऑलरेडी US मार्केट पे इन्फ्लेक्शन हो रहा है और एक कहा जाएगा कि एक साइडवेज के टाइप का चल रहा है बहुत पहले से भी, लेकिन यहाँ पे इंडियन मार्केट ऑलरेडी मूवमेंट अच्छा कर रहा है। सो दे आर बी अ लिटिल चांस कि मार्केट क्रैश तो हो नहीं सकता है, बट पॉजिटिव खुलने वाला भी उतना चांस नहीं दिख रहा है ऑन वीकली कैंडल। सो मूव टू द डेली, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियरली अगर 18,400 के रेंज से ऊपर गया, अगर 18,400 के ऊपर में अगर मार्केट मूवमेंट कर रहा है देन देयर विल बी ए चांस टू गेटिंग ए नॉर्मल स्टेज और ए हाई पोजिशन। आई मीन टू से कि अगर यहाँ से मार्केट 18,400 से हुआ देयर बी ए चांसेस टू लाइक दिस, और अगर 18,400 से मार्केट कल नीचे खुला देन मोस्ट बी ए वो यहाँ और यहाँ तक मार्केट मूवमेंट करके एक साइडवेज जोन बना सकता है वीकली तक। सो अगर डेली भी देखा जाए तो डेली पे भी RSI थोड़ा नियरेस्ट डाउन जा रहा है। सो अगर यहाँ पे 18,204 आके अगर ये 50 पे बाउंस बैक हो गया इट मोस्ट बी ए पॉजिटिव साइन, जहाँ पे GFS स्ट्रेटेजी स्टार्ट हो जाता है। सो अगर मैं कल की बात करूँ तो इसका ओपनिंग कुछ यहीं पे ही होने वाला है और इसका हाई, ये इसका ओपनिंग और ये जो करंट 18,400 का है यही उसका रेंज होने वाला है। सो अभी के दिन निफ्टी इतना ही है। सो किसी हिसाब से कोई मतलब पोजीशन होल्ड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कल के मार्केट उतना वोलेटाइल होने वाला नहीं है किसी एंगल से भी नहीं है। सो वेट फॉर
tomorrow. Thanks.